मेरा नाम दत्ता श्रीकंड है। उन्होंने मेरी और मेरे फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर डाली। इसका मुझे पश्चाताप है। प्रायश्चित कहानी है गुनाह और गुनहगारों की। जो कानूनन जुर्म है सिर्फ वही गुनाह नहीं होता, ऐसे बहुत से गुनाह हैं जो हम खुद अपने और अपने चाहने वालों के साथ करते हैं। प्रायश्चित गुनाहों के जख्म में आज एक ऐसे ही गुनाह और उसके प्रायश्चित की कहानी है। ड्रग्स की दलदल में गिर के शायद बहुत कम लोग उभर के बाहर निकल पाते हैं। दत्ता पांडुरंग श्रीखंडे एक ऐसा ही खास इंसान है जो ड्रग्स की ऐसी काली अंधेरी दुनिया से सिर्फ बाहर ही नहीं निकला, बल्कि आज वो अपने जैसे ड्रग एडिक्ट्स को उस दुनिया से बाहर निकाल रहा है, एक नई जिंदगी शुरू करने की मदद कर रहा है। ये है उसके प्रायश्चित की कहानी। मेरा नाम दत्ता श्रीखंडे, अंबरनाथ का मैं रहने वाला हूँ। अभी जो है मैं पूना में रहता हूँ। अभी मेरे फैमिली के अंदर हम 5 लोग हैं, 2 मेरे डॉग हैं। चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, नींद की गोलियां, इंजेक्शन, इन्होंने मेरी और मेरे फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर डाली। इसका मुझे पश्चाताप है। मेरे पिताजी थे और उनको उनके एक भाई थे, तो उनको बच्चा नहीं होता था। तो जो कुछ मुझे गोद में लेने के बारे में पूछा था, पहले वो गोद में लेने वाले थे मेरे बड़े भाई को, लेकिन मेरी माँ देने को तैयार नहीं थी। ए रुक्मिणी, कहाँ खो गई है तू? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे बच्चे कब हो गए? हे रुक्मिणी, सब्र कर, अपने भाग्य में जब होगा तब होगा। लेकिन कब होगा? कितने साल हो गए, तरस गई हूँ मैं अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए। अरे हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, और ये भी तो अपने ही है। क्या उनमें से एक बच्चा हम नहीं ले सकते? उनके यहाँ तीसरा आने वाला है। ऐसा कब होता है? क्या क्यों नहीं हो सकता? आप बात करके तो देखिए, भाई है आपका, बच्चा है, कोई भेड़ बकरी नहीं है, और किसी को देने के लिए पैदा किया है क्या मैंने? अरे भाई है मेरा, कितने सालों से वहीनी की गोद सुनी है, घर में तो रहेगा तेरी आंखों के सामने, तो तुझे कौन रोकता है लाड़ प्यार करने से? अरे 3 साल के बच्चे को अपने से कैसे अलग कर दूं? अरे आदत है उसे मेरी। इसे तो नहीं कह दो, लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो उनका हो। हालांकि कोई भी माँ अपने बच्चे को देने को तैयार नहीं हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ठीक है, तीसरा लड़का हो लड़की हो तो मैं आपको दे डालूंगी, ये उनकी कमिटमेंट थी। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये तो मुझे नहीं पूछा था, उन्होंने कमिटमेंट दिया और मुझे वो दे डाला। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य दीपतये धन धान्य समृद्ध में देहि दापय स्वाहा। आज से इस बालक का नाम दत्ता पांडुरंग श्रीखंडे संपन्न हुआ। अब बच्चे को ले लीजिए। मेरे दत्ता का ध्यान रखना, फूल की तरह रखूंगी। बच्चों को गोद लेना और देना हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा है, पर कभी कभी माँ बाप इसके परिणामों के बारे में सोचे बगैर ये कदम उठा लेते हैं। कोशिश ही होनी चाहिए कि बच्चे के दिल में कभी ये भावना ना आए कि उसका कोई नहीं है। अगर गोद लिए हुए बच्चे की अच्छी परवरिश हो तो ये एक वरदान साबित होता है, नहीं तो वही बच्चा अपने परिवार और समाज के लिए एक अभिशाप बन जाता है। दत्ता को शुरू शुरू में दोनों परिवारों से बहुत प्यार मिला, तब लग रहा था कि शायद ये कदम बिल्कुल ठीक है।
भाग्य का खेल ही है कि जिस रुक्मिणी ने दत्ता को गोद लिया, कुछ दिनों बाद वो खुद गर्भवती हुई और उसके अपने दो बच्चे हुए। अब उसका सारा लाड प्यार अपने बच्चों पर बरसने लगा। आई भूख लगी है, आई आई भूख लगी है। दत्ता की आंखें माँ की ममता को तरसने लगी। आई आई भूख लगी है। क्यों, तेरे घर पे खाना नहीं बनाया क्या? सीधा इकड़े। क्या हो जाता था अगर उसको खाना खिला देती तो? दत्ता को अभी अपने से दूर नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। मेरी माँ के आंख में मैं प्यार देखता था, लेकिन उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी आता था कि वो कभी भी प्यार नहीं जताती थी। और ये सब देखते देखते मुझे ऐसा उस वक्त लगता था, अभी भी ऐसा लगता था कि वो बोलते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। देखो ना माँ, ये मेरी शर्ट मांग रहा है। दत्ता, तुझे हमेशा दूसरे का हिस्सा चाहिए, है ना? चल, जा यहाँ से, निकल। और तू, तू अंदर चल, चल। इस बीच जिंदगी ने कई करवटें ली। दत्ता के पिता टीबी से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद चल बसे और इसी वजह से दत्ता की सगी माँ की आर्थिक हालत बिगड़ गई। अब दोनों परिवार अपने अपने बच्चों की परवरिश में लगे थे, सिर्फ दत्ता के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। तो उसने मुझे भी ऑफर किया, तो मैंने देखा था पिताजी या तो मेरे जो चाचा है वो बीच बीच में लेते हैं, तो जो कुछ जक्कन था वो क्वार्टर का, वो जक्कन भर के मुझे भी दिया उसने। पांच क्लास में जाने के बाद में इंग्लिश सब्जेक्ट आ गई। छह महीने के बाद में जो परीक्षा होती है साम आई, तो उसके अंदर इंग्लिश का जब पेपर में आया तो मैं कुछ भी नहीं, मुझे ABCD पूरा जेड तक भी उस वक्त नहीं आता था। और मुझे ख्याल है मैं पूरा वो जो कुछ वक्त है वह मैं इंतजार करने लगा, और सब लोग पेपर देने के लिए उठे तो मैं जो कुछ कोरा पेपर है उसके ऊपर खाली मैंने एक ऐसे क्रॉस बड़ा मार दिया। और वो जो कुछ वो दिन था मेरे स्कूल का लास्ट दिन था। नहीं, मेरा काम नहीं स्कूल पढ़ना, और उसके बाद में मैं कभी भी स्कूल गया नहीं। तो उस वक्त मेरा जो कुछ है घर से भाग जाना और ये जो कुछ है मेरा ये सब शुरू ही रहता था। तो एक बार आने के बाद में देखा कि मेरी माँ जो है वो हमारे घर के पीछे एक रहते हैं, उनके यहाँ पर वो जो कुछ है बर्तन और उनके कपड़े जो है वो मांझने का काम करने के लिए जा रही है। आई आई, तू ये क्या कर रही है? तू घर जा, मत कर आई, मत करिए सब। कमाऊंगी नहीं तो खाएंगे कहाँ से? मैं करूँगा काम, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए पैसे कमाऊंगा। घर जाओ, काम करने दे। तूने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं ना। तू घर जा, तू नहीं समझेगा।
वहां से आए, वहां पर मुझे कुछ उरुस में कुछ पैसे मिल गए, 5 रुपया 2 रुपया कुछ तो भी गिरे हुए मुझे मिल गए, मैं बहुत खुशी से आ रहा था। दत्ता को गोद लेने वाली माँ रुक्मिणी कुछ दिनों बाद अपने जख्मों के कारण चल बसी। दत्ता को कभी समझ ही नहीं आया कि वो हादसा हुआ कैसे। क्या उसका पांव उस मिट्टी के तेल के दिए पर लगा, क्या वो अपने आप गिरा या हवा ने उसे गिराया। दत्ता इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता रहा। उस दिन की याद ने आने वाले सालों में उसे बहुत परेशान किया। कुछ दिनों बाद दत्ता की सगी माँ भी काम, चिंता और बीमारी से चल बसी। दत्ता को लगा कि पैसा ही उसकी मुश्किलों की जड़ है, और हल भी उसने किसी भी तरह बहुत सारे पैसे कमाने की ठान ली। और वो जाने के बाद में, वो जो माँ जाने के बाद में जो कुछ है, मेरा माइंड जो है हम लोग बोलते हैं ना, सटक गया। तो हमें ऐसा लगा कि मेहनत मजदूरी करना और चोरी करना, उसके एक बीच का ये माध्यम है कि दो नंबर के धंधे करना। दत्ता, मैंने बोला था ना काम के लिए बंदा लाऊंगा, ये पहले कुछ काम किया? हाँ सब, थोड़ा इधर उधर बस। दारू के बारे में क्या जानता है? अब जानते ना सब, देसी हाथ भट्टी बियर, बाकी हम सिखा देंगे तेरे को, समझा? हाँ सर। लेके जा उसको। सर सब पैसा कितना लेगा? 10 रुपया तो 5। तो हम लोग क्या करते थे, हर क्वार्टर में से थोड़ा थोड़ा निकाल के बाजू में रखते थे। तो दिन भर में 2-3 क्वार्टर हम लोग, 3 क्वार्टर समझो झोल कर लिया, तो उसमें से 2 जो है फिर से हम लोग बेचते थे। कुछ मिलेगा? बंद हो गया। अरे देख ना भाई, अपने लिए ये ले। 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, नाइट चार्ज। एक साल के बाद में मैं खुद वो जो क्लब है वहां पर मैनेजर बन गया। नंबर 213। ए दत्ता, मारेगा क्या? क्या ये? दत्ता, एक मारेगा ना सीधा। एक बार सर्कल, फर्स्ट क्लास एकदम। और मुझे भी ऐसा लगा, अरे इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं ले रहा हूं तो मतलब मैं बड़ा हो गया, मैं सर कर रहा हूं। फिर चरस का शुरू हो गया। आगा। ये ले। तेरे को भी मेरा पैसा नहीं चाहिए ना? हाँ, मेरी माँ को भी नहीं चाहिए था। तुम लोगों ने कभी मेरे को अपना समझा ही नहीं। घर अपना नहीं नहीं था तो गोद काय को लिया मेरे को? हाँ बोलना, जान दे सुबह क्या बोलेगा।
गुजरा, दत्ता के चाचा को भी टीबी हुआ। उन्हें लगा कि उनका आखिरी समय पास है। एक दिन वो अपनी गुजरी हुई पत्नी रुक्मिणी के गांव पहुंचे और बोले कि उन्हें उस गांव से अपना रिश्ता आगे बढ़ाना है। दत्ता के सबसे बड़े भाई और अपनी छोटी बेटी का रिश्ता उन्होंने वहीं तय कर दिया। साथ ही उन्होंने दत्ता का रिश्ता भी उसी गांव में तय कर दिया। लड़की का नाम था कुसुम। दत्ता भाव जी, ये कुसुम है। दो दिन यहाँ रहेगी, जान पहचान कर लेना दोनों। बाद में ना कहना कि मिला नहीं था। लीजिए ना। चरस लेता हूं मैं, दारू भी पीता हूं, जानती है ना, जुए का अड्डा भी है। बहुत सारी बुरी आदतें हैं मेरी। जब पता है बुरी है तो छोड़ क्यों नहीं देते? जैसा काम वैसी आदतें। तो ये काम छोड़ दो, कम में भी हो जाएगा हम दोनों का, और जरूरत पड़ी तो मैं काम करूंगी, लेकिन तुम छोड़ दो ये सब। कहते हैं प्यार में वो ताकत होती है जो दुत्कार में नहीं होती। दत्ता को पहली बार लगा कि उससे कोई स्वीकार कर रहा है, कोई उसे सच्चे दिल से अपनाना चाहता है। उसे लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि वो उस इंसान के लिए कुछ करे। दत्ता ने मटका, चरस और दारू की वो दुनिया छोड़ दी और ऑटो रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा के साथ साथ उसके सपने भी दौड़ने लगे, कुसुम के साथ एक खूबसूरत जिंदगी के सपने। अपना रिक्शा है, मतलब अपना नहीं है, भाड़े का है, फिर भी अपना हो जाएगा कुछ दिन बाद। ये देखो वर्दी नहीं खाकी, ऐसी है। बहुत अच्छी है। चल तेरे को घुमा के लाता हूँ, आज से अपन नया धंधा करेंगे। चप्पल पहन के आ। अरे चप्पल छोड़ो, आ जाओ यार तुम। चल दत्ता अंदर चल। नहीं मैंने छोड़ दिया। इसी बीच दत्ता के चाचा गुजर गए। दत्ता अब पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। वो अक्सर कुसुम से मिलता, दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बुरे दिन हमेशा के लिए बीत चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी कब क्या खेल दिखाए कोई नहीं कह सकता। नवरात्रि के दिनों में दत्ता ज्यादा पैसे कमाने के लिए रात की फेरी लगाता, और ऐसी ही एक रात ने उसकी जिंदगी फिर पलट दी। वो लड़का लड़की कल रात भर घूमते रहे। मैंने पूछा किधर जाने का है, तो कभी बोलते कल्याण, कभी बोलते उल्लास नगर। फिर क्या, मैं भी घुमाता रहा रात भर दोनों को। अच्छा है ना, 9 महीने बाद तेरे को खुशखबरी देंगे। ये क्या है? घर दे रहे। मतलब? बोले तो ब्राउन शुगर रे, एकदम कड़क माल है। ट्राई करेगा? नहीं नहीं मैंने छोड़ दिया ये सब कुछ।
अरे सब कुछ छोड़ दिया तो इसको छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? दो पफ मार, कुछ नहीं होता, मार के देख। जाने दे यार, छोड़ दिया अब। अच्छा, इसको वादा किया लगता है? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, तो दो कश मार, ऐसा नशा कभी नहीं किया रहेगा। दो कश मारेगा ना, हवा में उड़ने लगेगा बेटा। ले अरे ले रे। अरे दत्ता, क्या हुआ दत्ता? अरे ठीक है ना? अरे सुनना, अरे वो कल वाला माल मिलेगा क्या? और मजा आया लगता है। अरे मिलेगा ना, मिलेगा, सब मिलेगा। कितना चाहिए? के एक एक। अरे जान दे रे, पैसे जान दे, दोस्ती में काहे के पैसे, अगली बार दे देना जा। क्या गाड़ी चला रहा तुम यार, परेशान कर दिया तुमने, कुछ ने तुमको लेसन दिया? ले पैसा ले पगर, हैरान कर दिया हम लोग, परेशान कर दिया खाली यार। मैं वैसे गया हूँ, मरवा देता मेरे को कहीं ना कहीं। दत्ता, 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 दत्ता। जीवन में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ भी पता नहीं था। सेट वो क्या हो गया? आज से रिक्शा बंद। नहीं लेकिन सेट आप मेरा टाइम खोटी मत कर, मैं धंधा करना चाहता हूँ, पुलिस में गाड़ी नहीं देना चाहता। चल चाबी निकाल। नहीं वो सेट क्या हो गया, गाड़ी का ब्रेक थोड़ा फेल हो गया, मतलब वो गाड़ी का ब्रेक नहीं, तेरा दिमाग फेल हो गया है। जो भी नशा करना है ना, घर पर जाके नशा करने का, मेरे गाड़ी पे नहीं। चल चाबी निकाल। नहीं सेठ आप बात सुन लीजिए, आप नहीं सेठ सेठ जेब में निकाल, आप बात करो ना सेठ, सेठ जेब में क्यों हाथ डाल रहे हो? सेठ सेठ मुझसे बात करो, ब्रेक वायर लूज। चल निकल, चल। यार कुछ पैसे हैं, कल सुबह का जुगाड़ नहीं है मेरे पास। नहीं मैं दे दूंगा, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। पैसे कमाने के लिए काम की जरूरत नहीं होती, फिर किसकी जरूरत होती है? करेगा क्या, करना क्या है? ट्रेन में गर्दी करना है। अच्छा धंधा है यहाँ पर, तो मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, जो है मैं खाली गया हूँ इनके साथ में। अगर इतना पैसा मिलता रहेगा तो बहुत अच्छा है, चलो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये तो साला भिखारी लगता है। चल ठीक है। हाँ, अरे बहुत हो गया। ले रख तोता। अरे यार आज तो पार्टी है भाई, अभी ये माल आ गया, वो माल निकालो, अभी पार्टी करेंगे। नशा वो आदत है जो इंसान को बहुत सारी गलतियां करने पे मजबूर कर देती है। इसी नशे ने दत्ता को अंदर और बाहर से पूरी तरह से खोखला कर दिया था। नशे के लिए दत्ता ने ट्रेनों में लोगों की जेबें काटनी शुरू कर दी। अब वो ना सिर्फ गलत काम कर रहा था बल्कि मासूम पैसेंजर्स को लूटने का गुनाह भी कर रहा था। आसानी से मिलने वाले पैसे ने उसके नशे की आदत को और भी बढ़ा दिया। मारता है।
अरे पैसे निकाले बोला तो मुंबई में क्या होता है, आजू बाजू वाले ताबड़तोब नहीं, वो भी जमा हो गया, जमा हो गया तो मार जोड़ जो कुछ है शुरू हो गई। तो जिसने पकड़ा था वो बोला मारो मत, पुलिस को बुलाएंगे, तो पुलिस बुलाए। तम्बाकू है क्या? तम्बाकू नहीं, सब सब माल है क्या? सब सब माल दे दो ना साहब, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा दे दो ना साहब, सब चल चल। नहीं नहीं दे दे, नहीं है, नहीं मिल दूंगा। क्या करेगा? नहीं देगा जी, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, चल हट। क्या हुआ ये, कैसे लगी? तो छोड़ देना ये सब कुछ, तेरा ये नशा सब कुछ बर्बाद कर देगा। देख अपनी हालत, देख तू, अपने लिए नहीं लेकिन मेरे लिए तू इतना कर सकता है ना तू? छोड़ दूंगा, सच में सब कुछ छोड़ दूंगा। यार तू गरीब आदमी का हमाल लग रहा था, ढूंढता रहेगा अभी पैसा। मैं चोरी किए तब बुरा चोरी थोड़ी ना करता है, अब उसका घर में बच्चे हो गए, माँ हो गई, मैंने उसका पैसा छीन, बुरा बन गया है नशा, लेकिन कैसा रोक नहीं पाता मैं। कुसुम है तो बहुत से बार मुझे वो विड्रॉल्स होते थे, दो दो दिन में छोड़ता था, उसके बाद में वहां से भाग के आता था, तो बहुत वो जब विड्रॉल शुरू रहते थे उस वक्त भी केयर लेती थी, उस वक्त वो बात करती थी मेरे से आके। कुसुम मैं छोड़ना चाहता हूँ ये सब कुछ, मुझे ये नशा छोड़ना है, मैं बहुत तकलीफ, छोड़ देना है मुझे, मैंने कोशिश की है लेकिन हो नहीं रहा मुझसे। मैं तुम मेरी मदद करोगी क्या? हाँ इधर आओ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं, मुझसे मैं ये तुम्हारे पास रखो और मुझे देना नहीं। कहा मैं मांगूंगा थोड़ी देर के बाद, मेरा जैसा मांगने लगता है सब कुछ, तुम देने का नहीं मुझे। हाँ बिल्कुल नहीं देना, मैं कितना मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा मैं जब नहीं मिलता ना मुझे तो मैं ऐसा गिड़गिड़ाता हूँ, मांगता हूँ, चिल्लाता हूँ, मैं तुम मुझ पर तरस नहीं खाना, वो तुम फेंक दो ये फेंक। हाँ अब तुम देना नहीं उधर से मुझे, हाँ कितना भी मैं कुछ भी करूँ। मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है। दो दिन रहता था और इतनी अच्छी लड़की बाजू में रहते हुए भी मैं वहां से निकल जाता था, और फिर मेरा ज्यादा से ज्यादा उनके घर पे मैं दो तीन बार कंट्रोल किया गया रहेगा ये सब दौरान, तो मैं नशा सब छोड़ने के लिए गया। दादा दत्ता कह रहा था कि वो कुछ दिन यहां रुकेगा।
एक वक्त ऐसा होता है जब नशा करने वाले गर्द को नहीं छोड़ सकते, फिर एक वक्त ऐसा आता है जब गर्द उन्हें नहीं छोड़ता। दत्ता के खून को ब्राउन शुगर के साथ बहने की इतनी आदत हो चुकी थी कि नशा किए बिना उसे ऐसा लगता था कि उसकी नब्ज ही रुक जाएगी। पहले एक बार कुसुम का प्यार उसकी बुरी आदतों से जीत गया था, लेकिन इस बार वो भी ब्राउन शुगर के सामने हार गया। भैया ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है। मैंने ना कह दी, कहा कि शादी करूंगी तो दत्ता से, तो कहने लगे वो तुम्हारे लायक नहीं है, नशे के लिए तुम्हें भी छोड़ देगा। मैंने कहा नहीं, ये सच नहीं है। सही कहा ना मैंने? तू शादी कर ले, मैं नहीं हूं तेरे लायक, मैं अब किसी के लायक नहीं हूं। क्योंकि अभी मुझे पता था कि मैं जो कुछ ये रिश्ता है, ये रिश्ते के मैं काबिल नहीं हूँ, तो उसे भी मुझे कोई भी दाग नहीं लगाना था। तो मैंने डिसीजन ऐसा लिया कि इसमें हो सके उतना अच्छा कि भाई अपने आप को विड्रॉल कर डालो। कुसुम दत्ता की जिंदगी से जा जरूर चुकी थी, लेकिन उसे उसकी खबर यहाँ वहाँ से मिलती रहती थी। उसे पता लगता कि कुसुम गर्भवती है, उसे बच्चा हुआ है और वो अपनी नई दुनिया में खुश है। ये सब सुनकर दत्ता को सचमुच खुशी होती थी, लेकिन एक दिन उसने जो खबर सुनी वो सुनने के लिए शायद वो तैयार नहीं था। कुसुम ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। चाहिए था हमें। ये दत्ता सुन, तू सच में उससे प्यार करता है ना? हाँ, तो बस उसका हंसता हुआ चेहरा याद कर, बाकी सब भूल जा, सुकून मिलेगा उसे। हाँ ए दत्ता, तुझे तो बुखार है। ए दत्ता, ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ इंसान को इतना कमजोर बना देते हैं कि वो अपने सबसे करीबी लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने पे मजबूर हो जाता है। दत्ता जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था और यहाँ उसने अपनी भाभी से ब्राउन शुगर मंगवा कर वो रेखा भी लांग दी जिसे हम रिश्तों की शर्म कहते हैं। टाइफाइड है इन्हें, काफी बढ़ चुका है, कोई दवा काम नहीं कर रही। मुझे घर ला के दो। उसके बगैर दवा काम नहीं करेगी। जरा सी भी शर्म नहीं है ना तुम्हें दत्ता? इस गर्द की वजह से तूने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, यहां तक कि कुसुम की जान भी ले ली तूने। मर क्यों नहीं जाता तू? मर क्यों नहीं जाता? पानी पीकर मछली जैसी तड़पती है ना, वैसे वो तड़पता है। हम लोग बोलते हैं ना, मुर्गा जो रहता है उसकी मुंडी निकाल डालेंगे तो कैसे तड़पता है, वैसा तड़पना रहता है। और ये लोग इमोशनल होते हैं और हम लोग उसको इमोशनल करते पर मौत की आंखों में भी इंसान कभी कभी जिंदगी देख लेता है। ब्राउन शुगर के साथ दवा काम करने लगी। दत्ता पहले से कुछ बेहतर हुआ, हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े अकेलेपन के उस दौर में उसके अंदर एक मंथन शुरू हुआ।
चरस लेता हूँ मैं, दारू भी पीता हूँ, जुए का अड्डा है मेरा। ये काम छोड़ दो, कम में भी हो जाएगा हम दोनों का, जरूरत पड़ी तो मैं काम करूंगी। दत्ता को एहसास होने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी के कुछ बेहद खूबसूरत साल और कीमती रिश्ते ब्राउन शुगर की भेंट चढ़ा दिए हैं। उसके एक दोस्त ने मुक्तांगन नाम की एक नशा मुक्ति केंद्र के बारे में उसे बताया जो पुणे में था। नमस्ते दोस्तों, मुक्तांगन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुक्तांगन एक नशा मुक्ति केंद्र ही नहीं है तो एक परिवार, यहाँ पे आपको नशे से दूर रहने के लिए पूरी मदद की जाएगी ताकि समाज में आपने जो जगह खो दी है वो आप वापिस पा सके, और इसके लिए आपको यहाँ पे हर मुमकिन मदद मिलेगी। कुसुम मुझे मारना चाहती है, मैंने कल रात देखा है उसे, वो मुझे मारना चाहती है। कुसुम क्यों मारना चाहेगी आपको, वो तो प्यार करती थी ना आपसे। बहुत, जो लोग प्यार करते हैं वो तकलीफ नहीं पहुंचाते है ना। मैंने दी है उसे तकलीफ, मैंने बहुत दुख दिया है उसे, मैंने मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है, मैं बहुत डर लगता है। यही तो कारण है आप सब ये देख रहे हो, यही गांठ आपके मन में रह गई है। खुद को माफ कर दो, भूल जाओ सब, आगे दूसरों को तकलीफ मत पहुंचाना, हो सके तो मदद करना, सब ठीक हो जाएगा। जिसे टालना, जिसे टालना नामुमकिन हो, नामुमकिन हो दिल से कर स्वीकार, दिल से कर स्वीकार। आज आप लोग जा रहे हो इस 35 दिन का उपचार पूरा करके आप अपने जीवन में जा रहे हो। हमें मालूम है कि वहाँ बहुत सारे उस राह पर कांटे हैं, लेकिन आप सीख भी गए हो कि उस कांटों से बचकर कैसे चलना है। और डरो मत, मुक्तांगन आपके साथ है। आप जाओ अपनी खुद की जिंदगी जियो। विश यू ऑल द बेस्ट।
क्यों दत्ता, घर नहीं जाना है? मैं घर नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं रख लो। मैं बाहर जाऊंगा तो सब फिर से ड्रग्स लेने लगूंगा या फिर मुझे पुलिस पकड़ लेगी। आप मुझे कुछ काम दे सकती है यहाँ? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये नहीं चलेगा, अगर यहाँ पर रहना चाहते हो तो कम से कम आपको बदलाव अपने आप के, तो फिर चुपचाप बैठ के क्या करूँ। तो मैंने किताब पढ़ा, सोता विषय किताब पढ़ा, कुछ किताबें यहाँ पर पढ़ने लगा। यहाँ पर मनोगत नाम का एक मासिक है, उसके अंदर मेरे बारे में मैं लिखने लगा, हस्तलिखित। और ऐसा करते करते 7-8 महीने निकल गए। एक साल पहले एक आदमी मौत से लड़ रहा था और वो आज मुक्तांगन का एक काबिल कार्यकर्ता है। मैं बात कर रही हूँ अपने दत्ता की। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, बस मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुक्तांगन का, जिसने मुझे जिंदगी का मतलब समझाया। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद किए हैं, मैं अब एक नई अच्छी जिंदगी बसाऊंगा और सोच रहा हूँ कि हो सके तो इस साल शादी भी बनाऊंगा। नवंबर में मेरी शादी हो गई। दूसरे दिन हर पेपर के अंदर जो कुछ है उसके अंदर जो कुछ है, मैं मेरे बीवी को पेड़ा खिला रहा हूँ तो उसका फोटो उसमें था। दत्ता ने राधा के साथ जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। सफर मुश्किल था और आमदनी कम। दत्ता ने नशा मुक्ति के दौरान एक एक कदम आगे बढ़ाने का जो नुस्खा सीखा था उसे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लगा। पहला बेटा हुआ तो दत्ता ने ज्यादा आमदनी के लिए होजरी का पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया। दूसरा बेटा हुआ तो उनके मकान मालिक ने उन्हें घर छोड़ने का नोटिस दे दिया। इसे दत्ता ने मौके के तौर पर लिया और जल्द ही अपने हाथों से खुद का एक छोटा सा घर बनाया। लेकिन अब दत्ता के सामने एक नई चुनौती थी जो उनके अपने बेटे ने उनके सामने रखी। एक दिन बच्चे ऐसे बोले कि बाबा आपके बारे में बाकी सब अच्छा लग रहा है हमें, तो फिर वो बोले कि एक ही बात है कि आप काउंसलर हो, इतना लोगों से बात करते हो, आपकी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करते हो, आपकी है ना 5वीं 6वीं जो पढ़ाई है ना वो बताने के लिए हमें शर्म आती है हमारे स्कूल में। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए दत्ता ग्रेजुएट हुआ। जिस अंग्रेजी के डर ने उससे स्कूल छुड़वाया था, दत्ता ने उसी अंग्रेजी के सब्जेक्ट को फर्स्ट डिवीजन में पास किया। मैं कॉलेज में जाने लगा तो मैं टाइट जीन्स पहनने लगा, टाइट शर्ट पहनने लगा, मेरी हेयर स्टाइल, मेरा दिखना, मेरा चलना, तो एक कॉलेज स्टूडेंट है और एंजॉय किया मैंने। मेरे घर में सब है अभी तक जो कुछ है। ग्रेजुएशन पूरा करने वाला मैं पहला हूँ। मेरे पिताजी का पहले का कंडीशन देख के अभी के कंडीशन पे मुझे बहुत गर्व होता है। दत्ता श्रीखंडे की नशे की आदत ने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसने कुसुम के प्यार को ब्राउन शुगर के लिए कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को बेइज्जत किया, कितने ही अनजान लोगों की मेहनत की कमाई छीन ली। आज वही दत्ता नशे की आदत से मजबूर लोगों का पुनर्वसन करने में जुटा है। सबसे पहले तो मेरी दोनों जो माँ थी उनसे माफी मांगूंगा और उसके साथ में ये नशे के लिए मैं जितने कुछ 100-200 हजार जो भी लोगों को मैंने दुखाया रहेगा, किसी से मैंने पैसे लिया रहेगा, किसी की मैंने चोरी किया रहेगा, किसी की मैंने मारपीट की रहेगी, किसी को मैंने गाली दिया रहेगा, जाने अनजाने में जो कुछ हुआ रहेगा उन सब लोगों को सब लोगों से मैं माफी मांगना चाहूँगा। नशा वो जहर है जो नशा करने वाले को अपना गुलाम बना देता है और ये गुलामी उस इंसान के अस्तित्व को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कोशिश कीजिए कि आप और आपका परिवार इस जहर से हमेशा दूर रहे। और अगर आप किसी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी को जानते हैं तो हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रायश्चित मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, PO बॉक्स नंबर 17681, मलाड वेस्ट, मुंबई 400064। हमारी ईमेल आईडी है प्रायश्चित.feedback@gmail.com।